जग्गू की लालटेन मूवी में एक अच्छा प्लॉट, एवरेज डायरेक्शन और निचले स्तर के प्रदर्शन से दम तोड़ दिया। जग्गू की लालटेन मूवी की कहानी, जग्गू की लालटेन एक कबाड़ व्यापारी के बारे में है जो अपनी एक यात्रा के दौरान चाय बेचने वाले जग्गू से मिलता है। दुकान पर एक लालटेन जो पीढ़ियों से चली आ रही है स्क्रैप डीलर के आकर्षण को पकड़ लेती है, जो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इस मूवी की रिव्यू की बात करें तो जग्गू की लालटेन आपको एक घंटे की उन टेलीफिल्मों की याद दिलाएगी जो दूरदर्शन में अक्सर 80 और 90 के दशक के दौरान ब्रॉडकास्ट होती थी। एक घंटे में पूरी कहानी समेट ली जाती थी। यह कहने के बाद इस कहानी को एक फिल्म में खींचने की आवश्यकता नहीं थी। शुरुआती चिंगारी दिखाने के बाद फिल्म पूरी तरह से फीकी पड़ जाती है। फिल्म में वेपर थिन प्लॉट और स्क्रीन प्ले है जो प्रेडिक्टेबल है। नाटक दर्शकों को लुभाने में विफल रहता है और अंत में यह कलैप्स हो जाता है। यह नाटक हरिलाल के बारे में है जो एक कबाड़ व्यापारी है जिसने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर धन अर्जित किया है। अपने व्यवसाय में अपार संपत्ति अर्जित करने के बावजूद वह नैतिकता के व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी एक यात्रा के दौरान एक चाय की दुकान पर एक पुरानी लालटेन उनके फैंस को भा गई। चाय की दुकान का मालिक जग्गू है और पूछताछ करने पर स्क्रैप डीलर को इन्फॉर्म करता है कि लालटेन उसे पीढ़ियों से दिया गया है और उसके लिए भावुक मूल्य के अवशेष हैं। हरिलाल लालटेन लेने के लिए अपने शुरुआती ऑफर को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर देता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो इतनी बेहतर हो सकती थी, लेकिन कलाकारों का एवरेज परफॉर्मेंस और लेजी स्क्रीन प्ले खेल को बिगाड़ देती है। रघुवीर यादव फिल्म की एकमात्र रिडीमिंग क्वालिटी है। हरिलाल के रूप में नीरज गुप्ता कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाते हैं और अपने प्रदर्शन में इनकंसिस्टेंट रहते हैं। विपिन कपूर ने अपनी फिल्म के लिए एक अच्छा प्लॉट चुनने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनका निर्देशन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। जग्गू की पत्नी की भूमिका में आकृति भारती अपने तीखे तेवरों के साथ विश्वसनीयता का एक तत्व प्रदान करती है। जग्गू की लालटेन में कॉमेडी अनजाने में हुई है और सौभाग्य से यह आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। यह मुख्य रूप से रघुवीर यादव की विशेषता वाले दृश्य हैं जो आपकी रुचि को बनाए रखने और आपको जोड़े रखने का प्रबंधन करते हैं। यह नाटक अपने आप में एक बुरी फिल्म नहीं है, इसमें एक अच्छी कहानी है, लेकिन अधिकांश कलाकारों द्वारा कम बराबर प्रदर्शन और एक कमजोर दिशा किसी भी संभावना को मार देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।